लालची भाई। एक गांव में दो भाई रहते थे जिनके नाम थे रामू और श्यामू। रामू बड़ा था और मेहनती भी, जबकि श्यामू छोटा था और बहुत ही लालची। उनके पिता के निधन के बाद दोनों भाइयों ने अपनी विरासत को आपस में बांट लिया। रामू ने खेतीबाड़ी और जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी संभाली, जबकि श्यामू ने व्यापार करने का फैसला किया। श्यामू के लालच का कोई अंत नहीं था। वह हमेशा सोचता रहता कि कैसे जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सके। एक दिन उसे पता चला कि पास के जंगल में एक जादुई पेड़ है जिसके फलों में सोना छिपा हुआ है। यह सुनकर श्यामू के मन में लालच और बढ़ गया। वह बिना किसी को बताए उस पेड़ की खोज में निकल पड़ा। जंगल में कई दिनों तक भटकने के बाद श्यामू ने आखिरकार उस जादुई पेड़ को ढूंढ लिया। पेड़ के फलों की चमक देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने जल्दी से फल तोड़कर अपनी झोली में भर लिए और वापस गांव लौट आया। घर पहुंचते ही उसने उन फलों को काटा और सच में उसमें सोना पाया। श्यामू खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत उन सोने के टुकड़ों को बाजार में बेच दिया और ढेर सारे पैसे कमा लिए। अब श्यामू के पास बहुत सारा पैसा हो गया था, लेकिन उसका लालच अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने सोचा कि अगर वह रोज उस पेड़ से फल लाकर बेचे तो वह बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा। अगले दिन वह फिर से जंगल गया और पेड़ से और फल तोड़ लाया। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। रामू को यह सब बहुत अजीब लगने लगा। उसने श्यामू से पूछा कि वह हर रोज जंगल में क्यों जाता है, लेकिन श्यामू ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन रामू ने श्यामू का पीछा करने का फैसला किया। जंगल में पहुंचकर रामू ने देखा कि श्यामू एक जादुई पेड़ से फल तोड़ रहा है। रामू को समझ में आ गया कि श्यामू के पास जो भी पैसा है वह इसी पेड़ की बदौलत है। रामू ने सोचा कि अगर इस पेड़ को गांव में लाया जाए तो पूरे गांव को इसका फायदा हो सकता है। उसने श्यामू को यह विचार बताया, लेकिन श्यामू ने लालच में आकर इसे ठुकरा दिया। वह नहीं चाहता था कि और लोग भी इस पेड़ का लाभ उठाए। रामू ने गांव वालों को बुलाकर सारी बात बताई। सबने मिलकर उस पेड़ को गांव में लाने का निर्णय लिया। बहुत मुश्किलों के बाद उन्होंने उस पेड़ को गांव में स्थापित किया। पेड़ के फलों से पूरे गांव में खुशहाली फैल गई। लोग अब आर्थिक रूप से मजबूत हो गए थे और गांव का विकास तेजी से होने लगा। श्यामू का लालच अब भी कम नहीं हुआ था। उसने सोचा कि अगर वह पेड़ को फिर से जंगल में ले जाकर छिपा दे तो वह अकेले ही इसका फायदा उठा सकेगा। एक रात श्यामू ने चोरी छिपे पेड़ को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन पेड़ ने अपने जड़ें इतनी गहरी जमा ली थी कि श्यामू उसे हिला भी नहीं सका। उसकी यह कोशिश नाकाम रही और वह खुद भी बुरी तरह घायल हो गया। गांव वालों को जब श्यामू की हरकत का पता चला तो उन्होंने उसे समझाया कि लालच से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से ही असली सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने लालच को त्याग दिया। अब वह भी अपने भाई रामू की तरह मेहनत से काम करने लगा। धीरे धीरे श्यामू का जीवन बदलने लगा। उसने महसूस किया कि ईमानदारी और मेहनत से कमाए गए पैसे का कोई मुकाबला नहीं है। गांव में सब लोग अब मिलजुल कर रहते थे और खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। श्यामू ने भी अपने लालच को पूरी तरह त्याग दिया और अपने भाई रामू के साथ मिलकर गांव के विकास में जुट गया। इस प्रकार श्यामू ने सीख लिया कि लालच से केवल विनाश होता है, जबकि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता और खुशी मिलती है। कहानी का संदेश यही है कि हमें हमेशा अपने लालच पर काबू रखना चाहिए और सच्ची मेहनत से ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।